दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी को लंबी लाइफ दे सकते हैं और अपनी बैटरी से नई बैटरी जैसा बैकअप हमेशा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं AS Tech। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी बैटरी पर लगे ढक्कन या फ्लोटिंग इंडिकेटर को बिल्कुल ढीला रखना है जिससे आपकी बैटरी कभी फटेगी नहीं, क्योंकि बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय जो गैस बनेगी वो आसानी से निकल जाएगी, जो कि बैटरी फटने का मेन कारण होती है। दोस्तों बैटरी को महीने में कम से कम एक बार पूरी तरीके से डिस्चार्ज करना चाहिए, मतलब जब तक आपका इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेशन ना शो कर दे तब तक बैटरी को डिस्चार्ज करिए। उसके बाद बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज करिए, जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो जाए तब तक उस पर कोई लोड मत दीजिए। दोस्तों ये प्रक्रिया एक तरीके से बूस्ट चार्जिंग प्रक्रिया होगी जिससे आपकी बैटरी के प्लेटों पर हार्डनेस नहीं लगेगा, क्योंकि बैटरी के प्लेटों पर अगर हार्डनेस लग जाता है तो बैटरी ओवरहीट होने लगती है और पानी बहुत जल्दी सूखता है बैटरी का, जिससे बैटरी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। दोस्तों अगर बैटरी के सरफेस पर धूल जमी है तो उसको सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए, क्योंकि धूल जो होती है वो नमी एब्जॉर्ब करती है और नमी के कारण बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच माइनर करंट फ्लो होगी जिससे बैटरी धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज होती है। दोस्तों अगर आपकी बैटरी के टर्मिनल पर सल्फेशन लगा है तो उसको गर्म पानी से धुल लीजिए और उसके बाद उस पर पेट्रोलियम जेली जैसे वाइसलीन लगा दीजिए। इससे आपके बैटरी के टर्मिनल पर कभी भी सल्फेशन नहीं लगेगा जिससे आपकी इन्वर्टर और बैटरी के बीच कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहेगी और बैटरी जो है बढ़िया से चार्ज होगी और आपको पूरा बैकअप मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी बैटरी नई है, मतलब 1.5 साल के अंदर है, तो कम से कम 3 महीने में एक बार बैटरी में वाटर टॉपअप करें, और अगर बैटरी पुरानी है तो कम से कम 45 दिन में एक बार वाटर टॉपअप करना चाहिए। पर ध्यान रहे सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही टॉपअप करें, नॉर्मल वाटर ना करें, इससे बैटरी के बैकअप पर इफ़ेक्ट पड़ता है और बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है जो कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है जिससे बैटरी के बैकअप पर इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।